बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अक्सर मरीज़ आते कहते कि सर मैंने विला स्ट्रेट लगाया था, बालों को स्ट्रेट किया था, फिर उसकी वजह से मैं गंजा हो गया। तो ये एक टॉपिक वाकई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तकरीबन 10% मरीज मुझे आके यंग एज वाले कहते कि मैंने विला स्ट्रेट लगाया था, बालों को सीधा किया था, तो जिसकी वजह से मेरे बाल गिर गए। तो आज इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। विला स्ट्रेट ठीक है, एक क्रीम है, केमिकल है जो बालों को सीधा करते हैं, लेकिन वो आपके बालों के रूट के अंदर नीचे नहीं जज़ब होती, वो सिर्फ बालों के ऊपर लगा देते हैं जिसकी वजह से बाल सीधा हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जब मैं कॉलेज में था, मैंने भी एक दो दफ़ा कराया, लेकिन कोई बाल उसकी वजह से मेरा नहीं गिरा। हाँ, वाकई जो बालों की जो टेक्सचर है, जो आपके स्कल्प से ऊपर जो बाल की जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करते हैं, उसको ख़राब कर सकता है, तो वो बाल फिर टूट जाती है और या गिर जाती है, लेकिन उसका रूट्स अंदर होता है। तो जिन लोगों में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, यानी अगर आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली हिस्ट्री में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, ये गंजापन की बीमारी नहीं है, तो उन लोगों को विला स्ट्रेट की वजह से कोई गंजा नहीं होता है। हाँ, उसके बालों की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाती है, जो अगर आप इलाज थोड़ा भी कर ले, बायोटिन तेल वगैरह इस्तेमाल कर ले, वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और विला स्ट्रेट इस्तेमाल किया और आपको हेयर फॉल शुरू हो गया, तो वो विला स्ट्रेट की वजह से नहीं है, वो आपके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से है। तो इस चीज़ को कोरिलेट ना करें कि मैं जो गंजा हो गया हूँ तो विला स्ट्रेट की वजह से। अक्सर मैं 5 मरीज एक साथ देखता हूँ तो उसमें से एक बोल लेता है कि मैंने विला स्ट्रेट लगाया था तो मेरे बाल गिर गए, तो मैं दूसरे 4 से पूछ लेता हूँ कि आपने विला स्ट्रेट लगाया था, वो कहते हैं नहीं। तो जो लोग गंजे होते हैं वो सब ने विला स्ट्रेट नहीं लगाया होता और ना उसने स्ट्रेटनिंग किया होता है। तो मतलब मेरा ये पॉइंट कि जो विला स्ट्रेट क्रीम है उसकी वजह से गंजापन नहीं होते, हाँ आपके प्रेजेंट बाल उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। सिर्फ विला स्ट्रेट नहीं, जिस तरह स्ट्रेटनिंग करती है लड़कियाँ, हीट दे देती है जैसे बालों को इस्त्री कर देते हैं, तो उस हीट की वजह से आपके बालों का स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, लेकिन गंजा नहीं होता है कोई। इसके अलावा कुछ लोग कलर्स के बारे में कहते हैं कि मैं फलाना कलर लगाया था तो उसकी वजह से मैं गंजा हो गया। कलर की वजह से भी गंजा नहीं होता है। हाँ, कलर, विला स्ट्रेट या दूसरे जो केमिकल है वो आपको स्किन एलर्जी और रिएक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, दाने निकल आते हैं और स्किन रेड हो जाती है, डर्माटाइटिस हो जाता है, ये चीज़ें हो सकती है इससे, लेकिन स्ट्रेटनिंग की वजह से कोई गंजा नहीं होता है। तो काइंडली जिन लोगों को भी, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है और उसको हेयर फॉल शुरू हो गया है, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसकी वजह से है, विला स्ट्रेट की वजह से नहीं है। तो जिन लोगों में ने किया है विला स्ट्रेट, में ये नहीं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, विला स्ट्रेट केमिकल है, बालों को ख़राब कर सकते हैं लेकिन गंजा नहीं करते। तो जिन लोगों ने लगाए हैं और उसके अभी बाल गिरते, तो वो विला स्ट्रेट की वजह से नहीं, वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से है। हाँ, विला स्ट्रेट अच्छी चीज़ नहीं है, केमिकल है जो आपके बालों को, स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते हैं, आपको एलर्जी कर सकते हैं, आपको सीवियर डर्माटाइटिस कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जिन लोगों के बाल नहीं गिरते, जिसमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, वो अगर विला स्ट्रेट लगा दे या कोई कदर लगा दे या एलर्जी हो जाए, वो गंजा नहीं होते है। अगर उस कंडीशन का फिर बाद में इलाज कर ले, वो गंजे नहीं होते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रेटनिंग के बारे में ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं, मेरे पास मरीज आते हैं और इस पे सब डिमांड कर रहे थे कि वीडियो बना ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।